सोने में पीली कर राखी सू में गुप्पर ते गोरा रंग मेरा, सोने में पीली कर राखी सू ऊपर ते गोरा रंग मेरा, मैं परिया वर्गा कर राख्या से मेरे पिया ने ढंग मेरा, हो इतना रख ख्याल मेरा ना ठावे सुती हो, मेरे काले रंग के दामन की आ झोलक सुती हो। वो हवाओं में इस कदर खुशबू घोल देते हैं, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो मीठा बोल देते हैं। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। अक्सर हम आपको मीडिया के माध्यम से वर्सेटाइल प्रोग्राम दिखाते रहते हैं और कुछ मीठे मीठे प्रोग्राम भी दिखाते रहते हैं, संगीत से भरे हुए, जो आपको एक नया तोहफा देता है, आपके अंतर मन तक, अंतस्य तक जाती है संगीत की धुन। ऐसे कलाकारों को हम नमन करते हैं। आज फिर हम एक ऐसे नामचीन, जिसे मैं कहूँ कि पूरे बॉलीवुड के अंदर धूम मचाने वाले योगी अंजाना जी के स्टूडियो में बैठा हूँ, फोक योगी बीट स्टूडियो जिसके नाम है, और उनके द्वारा न जाने कितनी ऐसी लिरिक्स लिखे गए हैं और कितने ऐसी कंपोजिशन बनी है जो बॉलीवुड में धूम मचा रहे हैं। योगी अंजाना जी, नाम पीछे अनजाना तकल्लुस लगाते हैं, लेकिन मैं अक्सर इनसे कहता हूँ कि आप अनजाना क्यों लगाते हैं, आप तो एक जानी मानी शख्सियत हैं संगीत जगत की। आइए योगी जी से एक मीठी मुलाकात करते हैं, प्यार भरी मुलाकात करते हैं, और जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक धमाल मचाया, एक नहीं अनेकों धमाल मचाए। हाल ही में इनका एक गाना आया है, ऐसा हरियाणी फोक आया है, ब्राह्मण का नाम लेते ही हमें अपनी बुजुर्ग महिलाओं की, हमारी हरियाणवी संस्कृति की याद आती है। तो उसी पर, उसी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए योगी जी ने अपने जहन से निकाल कर एक ऐसा फोक लिखा है हरियाणवी, तेरे काले रंग के दामन की झोल कसूती हो। और ये गाया किसने? रेणुका पवार ने। कंपोज किसने किया? योगी अंजाना जी ने। और लिखा किसने? योगी अंजाना जी। अंजाना नहीं, सबकी दिल में बसने लगे हैं योगी जी। आइए एक मीठी मुलाकात, ए वेरी स्वीट कन्वर्सेशन विद योगी अंजाना। सर, सारे बहुत बहुत थैंक यू जी, आपसे मुलाकात बहुत अच्छा। सर, आपके इतने हिट सॉन्ग आए, इतनी कंपोजिशन आपकी आई, और ख़ासकर यह तेरे काले रंग के दामन की झोल कसूती हो, आज हम इसी पे फोकस करेंगे। एक दिन पहले भी आए थे आप स्टूडियो पे, और इस गाने ने आपको इतने यानी कि पॉपुलरिटी दी है, लोकप्रियता दी है, और ख़ासकर आपकी को सिंगर जिसको आपने अपलिफ्ट भी किया है, रेणुका पवार। बिल्कुल, आप लिप मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो पहले से वेल सेटल्ड हैं, और उनका एक बहुत ही कमाल का सॉन्ग था बावन गज का दामन, उसके बाद आशीर्वाद उन पे बना रहे। बिल्कुल, मेरी छोटी बहन है और आशीर्वाद मेरा उनके साथ हमेशा ही रहता है, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने काले रंग के दामन को, इतना काला दामन इसका टाइटल है, वाइट हिल म्यूजिक से इतना प्यार दिया कि आज लोग 70 लाख के आसपास उसके व्यू हो चुके, और 5 दिन लगातार आपने ट्रेंडिंग में रखा उसको, उसके लिए बहुत बहुत पूरी जनता। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जब आप इतना प्यार प्रेम देते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा काम करने का दोबारा से मन करता है कि ऐसा फोक हम दोबारा से करें। और सबसे बड़ी बधाई के पात्र बंसल साहब आप हैं कि आप इन चीज़ों को जनता तक पहुंचाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वार्तालाप जो है उनके माध्यम से बोलते हैं। सर, ये काले रंग के दाम, तेरे काले रंग के दामन की ढोल कसूती हो, इसको थोड़ा हिंदी में बताएं कि काले रंग का दामन, दामन तो अपना बड़े घाघरे में कया करा बावन गज कया करते पहले बूढ़ी वडेरी, और ये काले रंग कैसे? ये बिल्कुल हमारी संस्कृति का, जो हरियाणवी संस्कृति की जो पहनावा है उसके अंदर ब्राह्मण एक अहम अपना रोल अदा करता है। ब्राह्मण कुर्ती चुनरी वगैरह पहले का जो पहनावा होता था हमारा, जैसे आज तो बुजुर्ग लोग उसको पहनते हैं, हमारी जो दादी हैं चाची हैं वो पहनते हैं, लेकिन पहले ही सभी इसको डालते थे, तो ये हमारे पहनावे का, जो ब्राह्मण वगैरह डाल लेते हो दूर से पहचान में आ जाता है कि ये हरियाणवी है। तो काले रंग का दामन कोई खास वजह नहीं है,
पर एक है कि जिसका रंग गोरा होता है उसके ऊपर काले रंग का दामन होता है, बड़ा सुंदर लगता है। बस ये थोड़ा सा क्या सुंदरता को दर्शाने का एक अपना अपना नज़रिया होता है, मेरा नज़रिया काले दामन को लेकर के। अब समझे हैं कि तुम्हारे रुखसार पे काले तिल का मतलब है, उसने दरबान पे दरबान बिठा रखा। तो ये काले रंग के गोरे यानी के रंग पे काले रंग का दामन हो उसकी। हाँ, जब कॉलेज में पढ़ते थे तो यूथ फेस्टिवल वगैरह की तैयारी करवाता था, तो हरियाणवी डांस का एक इवेंट रहता था, उसमें सोलो हरियाणवी डांस, उसमें उसका जो पहनावा होता था यही होता, जो हरियाणवी कल्चर का जो पहनावा वही रहता था, तो दिल में रहता था। काले रंग का अगर कोई दामन डालता था तो वो खिलता था स्टेज के ऊपर, अच्छा लगता था और सुंदरता में चार चांद लगा देता था। अच्छा, इसमें कितने मिलियन दिए हैं आप बता रहे थे? अभी तक 70 लाख, लगभग 7.7 मिलियन, मात्र 6 दिन। करोड़ में मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, करोड़ तो अभी नहीं हुए हैं, 1 करोड़ व्यू तो नहीं हुए हैं, 70 लाख के आसपास में है, और मात्र अभी 5 ही दिन इसको आए, और 4 दिन ये इसकी शूटिंग कहाँ हुई? चंडीगढ़ में हुई। और प्रॉब्लम ये रही कि 1 करोड़ भी प्लस हो जाता, क्योंकि जनता का प्यार इतना था, तीन चार दिन नेटवर्क जो इश्यू था उसकी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इतना प्यार प्रेम दे रहा उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए। सर, आप इसको गा के सुनाएं। हो मेरी छण छण बोले तागड़ी पटियाला जुती हो, मेरी छण छण बोले तागड़ी पटियाला जुती हो, ओ तेरे मेरे काले रंग के दामन की आ झोल कसुती हो, मेरे काले रंग के दामन की आ झोल कसुती हो। और सुनाइए, इसमें मजा आ रहा है। सोने में पीली कर राखी सुमे गुप्परते गोरा रंग मेरा, सोने में पीली कर राखी सुपरते गोरा रंग मेरा, मैं परियां बरगा कर राख्या से मेरे पिया ने ढंग मेरा, ओ इतना रख ख्याल मेरा ना ठावे सुती हो, मेरे काले रंग के दामन की आ झोल कसुती हो। देखिए, काले रंग के दामन, तेरे काले रंग के दामन की झोल कसुती हो, यानी कि इसका मतलब है कि तुम्हें काले रंग का घाघरा दामन, मैं बता दूं हिंदी में घाघरन कहते हैं, बड़ा दामन हमारी बूढ़ी बडेरी पैर यार दी, और उसकी जब वह चाल रहा है, वह झोल चुगरदत हंड है, वह कसूती लाक है, बहुत खूबसूरत पहरावा, शरीर ढका रहता है, लेकिन जो ब्यूटी है, ब्यूटी को कभी यानी कि एक्सपोज की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, या उसको तो सुंदरता अपने आप में और खूबसूरत हो जाती है जब उस पर पहरावा बहुत अच्छा हो। यही हर आदमी का किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अपना अपना अलग अलग होता है। मैं हरियाणवी संस्कृति के बारे में छोटी सी बात कहूँगा, देखो हम किसी भी लड़की है या चाहे भाभी हो चाहे कोई भी सुंदर कन्या हो, उसको हम पटोला कह दें तब भी वो सुंदर है, उसको पटाका कह दें तब भी वो सुंदर है, और अब उसको कह दें परी जैसी है तब भी वो सुंदर है, लेकिन जब हम परी कहेंगे तो लोगों का हमें देखने का जो नज़रिया है वो कहेंगे कि ये सुंदरता की तारीफ। क्योंकि जी मुझे बहुत पुरानी याद आती है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कोई दिल्ली बेस्ड लड़कियाँ भी उधर आ जाती थी हॉस्टल में, और है तो आप जैसा कोई शरारती था, एक वो जो था तो एक वो मोहतरमा जा रही थी दिल्ली की, उसको पता नहीं था हरियाणवी की, तो बड़ी यानी कि क्यूट लग रही थी, तो कह दिया मैडम आज कति ताड़ा पैट रही हो, बोले कहाँ से पट गया। हाँ, तो ये ऐसा हरियाणवी में तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि भी खूबसूरती को ताड़ा पाड़ना, कैची और बड़ा ब्लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो निकल के आती हैं। तो ये वही बात मैं बताना चाह रहा था, जैसे हमारे हरियाणा के जो राइटर हैं, हिदायत नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ एक मशवरा कह सकता हूँ कि हम किसी को पटाखा पटोला कहते हैं तब भी वो सुंदर है, और किसी को परी कहते हैं या वो भी तब भी सुंदर है, पर लोगों का जो हमें देखने का नज़रिया फिर बदल जाता है। अगर पटाखा हम किसी को कहेंगे तो वो हमारे बारे में जो उसका नज़रिया देखने का वो थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन उसको परी जैसा कहेंगे। अच्छा, ऐसे कितने सॉन्ग्स आए जिन्होंने मिलियंस बहुत सारे सॉन्ग हैं, मैं गिन के तो नहीं बता सकता। एक गाना और सुनेंगे, काला बदनाम हो लिया, बहुत सारा एक गीत और सुनाए हम आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका बहुत मधुर कंठ से, मैं बहुत कम गाता हूँ, लेकिन चाहे हिंदी में सुना। मेरा एक सॉन्ग आया था, लिखा था नवीन विशु ने, म्यूजिक हमारा था। हो कि आया डी टेडी चाले या बलम अलटो, लंबे टूर पे जावा थे बैठो थो बना जी साथ, चाण चक सी हंस पड़ो वो सुन के मेरी बात, देख के करियो ओवरटेक, हाँ देख के करियो ओवरटेक, कदे खा जा पलटो, कदे खा जा पलटो, हो किया या डी टेडी चाले या बलम अलटो, हो किया टेडी मेडी
चल या बलम अलटो। हमें वो शूटिंग दिखाइए जो उसकी थी। देखिए जो योगी जी का गीत आया है और उसकी शूटिंग हम दिखाते हैं। बोल हाली में बहुत लेटेस्ट है। रेणुका पवार जी इसमें गा भी रही हैं और एक्ट भी कर रही हैं। जैसे ही ये बड़ा गेट खुलता है धीरे धीरे ये जो ये वो कलाकार है रेणुका पवार जो सम प्लेबैक भी दे रही हैं और एक्ट भी कर रही हैं। पहली बार ऐसा इन्होंने किया है। देखिए मल्टीपल प्रतिभा है, जो मल्टीपल टैलेंट होता है तो मुंह चढ़ के अपने आप बोल देता है। प्रतिभा किसी की धरोहर नहीं होती। और ये बहुत पहली बार हुआ ऐसा हरियाणा में हुआ है कि रेणुका पवार ने पहली बार किसी गाने में एज ए मैन लीड मॉडल काम किया है। और बहुत बहुत थैंक यू रेणुका और पूरी कंपनी वाइट हिल म्यूज़िक धाकड़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। प्यार केडी भाई, पूरी ही टीम को, विमल वत्स जी जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत प्यार दे रहे जनता का तो मैं कर्जवान रहूँगा सदा तक उम्र तक। दोस्तों इसी तरह हम आपको ऐसे ही नामचीन कलाकारों से मिलवाते रहेंगे और उनकी नई नई यानी क्रिएशंस दिखाते रहेंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सारा जहाँ उसी का, सारा जहाँ उसी का जो मुस्कुराना जानता है, खुदा का बंदा है वो जो हंसना और हंसाना जानता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं सब लोग, ईश्वर है उसी का जो योगी भाई की तरह सर झुकाना जानता है, सर झुकाना जानता है। कलाकार कभी घमंड नहीं करता, कलाकार हमेशा यानी कि लोगों को खुश रखता है। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में, कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं योगी जी के गीत गाने में। क्या बात है। नमस्कार योगी जी, फिर मिलते हैं कैसे ही कलाकार से। देखते रहिए हंसी की आवाज़। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ ऐसे ही वर्सेटाइल प्रोग्राम लेकर आता रहूँगा। चले जाते हैं इसलिए कि फिर एक नए प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।